मैं नेवड़े तो गाइस आज के वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी 11 प्रो फोन में बैटरी पावर सेविंग मोड कैसे इनेबल करें। अगर आप भी अपने फोन को यूज करते हैं, आपके भी फोन से अगर बैटरी बहुत ही जल्दी डाउन यानी कि डिस्चार्ज हो जाती है, तो बैटरी पावर को आप सेव कैसे कर सकते हैं। पहले देखिए, आपको अपने फोन में कंट्रोल सेंटर को यहाँ पे ओपन गाइस कर लेना होगा। ठीक है, ओपन जब करेंगे आपको आई प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, डार्क मोड का मिलेगा। अगर आप इस दोनों को यूज करेंगे, इससे भी आपके फोन के जो बैटरी बैकअप है पहले से गाइस काफी इंक्रीज यहाँ पे हो जाएगी। और आपको देखिए सेटिंग को यहाँ पे ओपन कर लेना है। सेटिंग को ओपन कर लेंगे, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, जो बैटरी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे आज क्लिक कर लेना है। सेव पावर का जो ऑप्शन है यहाँ पे आज क्लिक कर लेना, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जो कि आप जिसको भी जितना यूज करते हैं टोटल आपके फोन में यहाँ पे सोना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कि डिस्प्ले बैकग्राउंड रनिंग का जो ऑप्शन है इसको आप अपने फोन में डिसेबल आज करके रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा पावर सेविंग मोड का ऑप्शन। अगर इसको इनेबल गाइस कर लेंगे, आपके फोन की जो बैटरी बैकअप पहले से काफी इंक्रीज हो जाएगी। मोर बैटरी सेटिंग का जो ऑप्शन है यहाँ पे गाइस क्लिक कर लेना है। ऑप्टिमाइजेशन का जो ऑप्शन है इसको भी आप यहाँ पे इनेबल गाइस कर लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए फोन बैटरी यूज का है, ऐप बैटरी मैनेजमेंट का ऑप्शन है। ठीक है, और नीचे भी ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ डार्क मोड का भी ऑप्शन है, जिसको भी आप यहाँ पे यूज करना चाहेंगे उसको बिल्कुल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कर आप अपने फोन में बैटरी पावर को गाइस इंक्रीज करके पहले से काफी बढ़ाना चाहते हैं बैटरी पावर को, तो बिल्कुल गाइस बढ़ा सकते हैं।